नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं खाते का वरीय.com। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि खातेगांव और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके फोन पर आसानी से पहुंच जाए। दशहरा पर्व पर खातेगांव में रंगारंग आतिशबाजी के साथ होगा 41 फीट के रावण के पुतले का दहन। प्रशासनिक तैयारियां अंतिम दौर में। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खातेगांव में दशहरा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नगर परिषद द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम 15 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से डाक बंगला मैदान पर शुरू होगा। इस आयोजन को लेकर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महिलाओं एवं बच्चों के बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है। कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी रहेगी। सीएमओ अनिल जोशी कहते हैं कि इस बार नगर परिषद द्वारा 41 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर पेयजल और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होगी। रावण दहन से पूर्व रंगारंग आतिशबाजी होगी। कलाकारों द्वारा विशेष मंची कार्यक्रम भी होगा। प्रशासन की ओर से दशहरा मैदान पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध रहेगी, फायर फाइटर रहेगा यहाँ पे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। पानी के टैंकर रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में बैठने की, दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई। नगर परिषद खातेगांव में कल दशहरा का उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है और प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था की व्यवस्था की गई है, और मंच पे 4 कार्यक्रम भी होंगे, रोल कार्यक्रम बनाए गए हैं। सीता माता है, हनुमान जी है, राम भगवान है, रावण भी बनाया गया है, और हमारे यहाँ रावण भी बन गया है। 41 फीट का रावण बना है, और बड़ी आतिशबाजी भी की जाएगी। यहाँ पर शाम को 6 बजे आतिशबाजी भी होगी और नए कार्यक्रम भी रखे गए हैं। हमारे SDM साहब का निर्देश हुआ था कि एक वैक्सीनेशन सेंटर भी लगाया जाए यहाँ पर प्रथम डोज और दूसरे डोज के लिए, और हमने प्रशासन से स्वीकृति मिल गई है कि कल एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटे, एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है वो भी हमें मिल रही है, और फायर ब्रिगेड भी रख रहे हैं नगर पालिका से, और नगर पालिका की पूरी टीम तैनात रहेगी कल यहाँ पर।